हेलो गाइस, सो वेलकम वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। जैसे वी हैव ऑलरेडी प्लान कि हम लोग क्या करने वाले हैं, वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था टाइम टेबल का। तो अल्टरनेट डेज में जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सेट लगाएंगे, स्पेशली बीपीएससी के क्वेश्चन पहले हम लोग पहले करेंगे और वो सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, दरोगा मेंस, बीपीएससी और वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इन्फोर्समेंट एसआई और बीएससी। ठीक है, वो तो खैर अभी मैं आपको बता दूंगा। वन मोर थिंग, कोई एड, एक एड आपको दिखेगा, वो भी इनिशियली दिखेगा, जस्ट टू फुलफिल द नॉर्म ऑफ यूट्यूब। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है यूट्यूब के लिए, इसलिए बस वो एक एड दिखेगा, आप उसको स्किप कर लेना। ठीक है, बाकी एड मैंने सब ऑफ कर दिया है। वन मोर थिंग, नोटबुक लेके बैठना है। ठीक है, जितना टाइम मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका आपको बेस्ट यूज तभी आप कर पाओगे जब आप नोटबुक लेके बैठोगे। थर्ड, आपको अंत में मुझे बताने कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, और आपको ये पहला प्रैक्टिस सेट है तो हर किसी को अंत तक देखना है और कमेंट करना है कि सर मुझे ये प्रैक्टिस सेट ऐसा लगा या कैसा लगा। डैट मीन्स यू नीड टू रिव्यू। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम इसमें बहुत टाइम जा रहा है, अभी आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली आप क्या इस प्रैक्टिस सेट से आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, आप मतलब एक जब ये प्रैक्टिस सेट जब एग्जाम देने जाओगे ना, एक एक क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट के सीरीज से देखने को मिलेगा। मैथ रीजनिंग ऑलरेडी मैंने बता दिया, उसका भी अल्टरनेट डेज में आएगा। और क्या उसके लिए ग्रुप ज्वाइन करना है, नॉमिनल चार्जेस जो मैंने बताया उसको पे करो और ग्रुप ज्वाइन करो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, डायरेक्टली स्विच करता हूं मैं, हर चीज क्लियर, नोटबुक लेके बैठे हुए। ठीक है, स्विच कर रहा हूं मैं अब, चलो। तो ये हुआ स्विच। ठीक है, होपफुली आप मुझे देख पा रहे होंगे अब। तो सब एग्जाम के लिए काफी है ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो अब की बार सब पार्ट जीएस प्रैक्टिस सेट, कल हम लोग ने एप्टीट्यूड का किया था, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही बेहतरीन से एनालाइज करने वाला हूँ। ये अभी थोड़ा आपको इजी लग सकता है क्योंकि ये 2000 का पेपर में ले रहा हूँ, 2001 2002 इस तरीके से पेपर में करता जाऊंगा। ठीक है, देखो पटना शहर का पूर्व नाम क्या था। ठीक है, तो एक एक चीज में पटना शहर के बारे में आप बात करेंगे, एक एक चीज के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो पटना शहर का पूर्व नाम जो था वो था आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, पहला क्वेश्चन था वो। दूसरा आपको क्वेश्चन यहां से याद रखना है कि इसका स्टेबलाइज या फाउंडेशन किसने रखा था। तो किसने रखा था, उदयन ने रखा था। उदयन के पापा जी का क्या नाम था, तो ये था आजाद शत्रु। ठीक है, इसके पापा जी का नाम क्या था, तो बिंबिसार। ठीक है, और ये सब कौन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो हरियंका डायनेस्टी से। ठीक है, समझ में आया। पाटलिपुत्र इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो थर्ड बुद्ध काउंसिल, ठीक है, थर्ड बुद्ध काउंसिल जो हुआ था, बुद्धा काउंसिल जो हुआ था, तीसरा वाला कब हुआ था, 250 BC में। ठीक है, हर चीज नोट करते हुए चलोगे, पाटलिपुत्र लिखो, ये सब लिखो। उसके बाद थर्ड बुद्ध काउंसिल जो हुआ था, जो कि 250 BC में हुआ था। ठीक है, यहाँ 250 है, 250 BC में जो हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। इस समय राजा कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, जो राजा थे वो थे अशोका। ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन थे इस काउंसिल का, अगर पूछा जाए तो मुगलीपुट्टु तीसा। ठीक है, मुगलीपुट्टु तीसा, समझ में आया। तो इतना चीज़ आपको यहाँ से एटलीस्ट पता होना चाहिए। देखो आपको ये चीज पता होना चाहिए, हसीना, ठीक है, तो हरियंग वंश, शिशुनाग वंश और नंद डायनेस्टी। तो ये जो आपका मगध वाला एरिया है, ठीक है, मगध वाला जो एरिया है, ये तीन वंश सबसे पहले आए थे। एक आए थे पहले हरियंका, जिसका फाउंडेशन मैंने आपको बता दिया, बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, यही हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करते। इसके बाद आया शिशुनाग, ठीक है, उसके बाद नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी को परास्त करके हरा के कौन आता है, मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, तो ये मगध का हिस्ट्री था और ये आपका पाटलिपुत्र के बारे में इतना आपको पता एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज बताइएगा आपने 40 में कितना स्कोर किया। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, कौन थी, सुचित्रा कृपलानी। एक चीज और याद रखिएगा, यहां बोला है फर्स्ट CM, ठीक है, और फर्स्ट गवर्नर भी बोले। ठीक है, तो वो दोनों जो राज्य था वो सेम था। तो पहला ये कहां की सीएम थी, पहला फर्स्ट ओमेन सीएम, तो उत्तर प्रदेश की। और सरोजिनी नायडू, अगर पूछे कि फर्स्ट ओमेन गवर्नर, ठीक है, गवर्नर सबसे पहला राज्यपाल ओमेन कौन थी, तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कहाँ की पहली गवर्नर थी, तो यूपी की। ठीक है, और ये सुचिता कृपलानी कहाँ की आपकी, क्या कहाँ की आपकी सीएम थी पहली ओमेन, तो आपकी वो भी यूपी होगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते कि स्वतंत्र भारत की, तो खैर ये तो आपको समझ में आ गया। तो अगर फर्स्ट ओमेन राज्यपाल बोले तो कौन आपको याद रखना है, सरोजिनी नायडू। पहला सीएम ओमेन कौन रखना है, तो सुचिता कृपलानी। और ये दोनों कहाँ की पहली ये थी, तो यूपी की। ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया।
अब यहाँ से एनी बेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में जितना भी क्वेश्चन होता है मैं अभी लिस्ट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। 1916, ठीक है, होम रूल आता है, होम रूल लीग आपने सुना होगा, होम रूल लीग मोमेंट, ठीक है, होम रूल लीग मोमेंट आता है, ठीक है। इसका जो फाउंडेशन करती है इंडिया में उनका नाम था एनी बेसेंट, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशन होता है बेसिकली ये जो टेक केयर करती है तो ये होता है मद्रास वाला पार्ट में, ठीक है। तो दो आदमी आपका आपको नाम याद रखना है होम रूल लीग मूवमेंट से, पहला तो एनी बेसेंट, ठीक है, जो कि होम रूल मूवमेंट का स्टेबलाइज मतलब जो फाउंडेशन रखी थी भारत में, और इन्होंने कहाँ से इसको मतलब रन किया था तो मद्रास से। एक आदमी का नाम आपको और याद रखना है, वो है आपका बाल गंगाधर तिलक, ये भी रिलेटेड थे किससे, होम रूल लीग मूवमेंट से। इन्होंने कहाँ अपना ये चलाया था मतलब होम रूल मूवमेंट, तो पुणे वाला एरिया मतलब महाराष्ट्र वाला एरिया, ये दोनों नाम याद रखना है, होम रूल लीग मूवमेंट 1916, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ आपको बात किया सरोजिनी नायडू, ठीक है, तो 1925, ठीक है, 1925 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था कहाँ, कानपुर में, वो एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको एक भी नया क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा जब ये पूरा सीरीज आप एक बार कर लोगे तो, कानपुर, ठीक है। तो कानपुर में देखने को मिला था, मतलब ये सेशन कहाँ का, प्रेसिडेंट बनी थी कौन सा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता था, तो जो 1925 वाला सेशन जो हुआ था वो हुआ था आपका कानपुर में, ठीक है। और उसको सेशन कौन मतलब हेड की थी, तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। यहाँ से दो क्वेश्चन और निकल के आता है, एनी बेसेंट और किससे, सरोजिनी नायडू से। देखो अगर पूछे कि फर्स्ट ओमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो कौन थी, एनी बेसेंट, ठीक है, पहली ओमेन बोला जाए तो एनी बेसेंट, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि पहला फर्स्ट ओमेन इंडियन मतलब फर्स्ट इंडियन ओमेन जो प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो वो है आपका सरोजिनी नायडू। ये कब बनी थी, तो 1925, कौन सा सेशन, तो 40वां सेशन था ये, कहाँ, कानपुर में, याद कर लो एकदम, ठीक है, नहीं लिखते हुए चलोगे, अगर जिसने लिख लिया एग्जाम तो उसका निकल रहा है, ठीक है। एनी बेसेंट, ठीक है, 1917, ठीक है, और ये जो सेशन की थी मतलब ये जो था, ये था आपका कोलकाता वाला सेशन, ठीक है। तो इतना चीज आपको यहां से याद रखना, एक बार बैक करना पूरा का पूरा, समझ लेना इसको। तीसरा क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है, तो पंजाब केसरी के नाम सबको पता है, वो है आपका लाला लाजपत राय। अब देखो यहां और क्या क्वेश्चन पूछा, सेकेंड पूछा जाएगा आपको, ठीक है, कि बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, कौन, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल में लिखोगे, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। यही आपको पूछ लेगा कि आपको आंध्रा के केसरी किनको बोला जाता है, आंध्र प्रदेश के, ठीक है, तो आपको याद रखना है टी प्रकाशन, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, टी प्रकाशन, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए कि बंगाल के केसरी किसको बोला जाता है, ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, बंगाल की केसरी, तो आशुतोष मुखर्जी, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि शेर ए काश्मीर, ठीक है, शेर ए काश्मीर किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है शेख अब्दुल्ला, ठीक है। तो इतना चीज आपको यहां से याद रखना है, बिहार केसरी किसको बोला जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण डायरेक्टली याद रखो, आंध्रा के केसरी किसको बोला जाता है, तो टी प्रकाशन, और बंगाल के केसरी आशुतोष मुखर्जी, और शेर ए काश्मीर किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है शेख अब्दुल्ला को, ठीक है। तो लाला लाजपत राय के आपको ये बताना चाहिए। यहाँ एक और पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है आपका गुरु गोविंद सिंह। देखो टोटल 10 गुरु थे, ठीक है, इसमें सिख गुरु जो आप लोग पढ़ते हो गए, आपको पता होना चाहिए जो लास्ट गुरु थे, जो 10वें गुरु थे, वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। इनके बाद गुरु का पद ही हटा दिया गया, तो अगर पूछा जाए कि किसके बाद गुरु का पद हटा दिया गया, तो वो थे आपके गुरु गोविंद ही। तो ये कितने नंबर के थे, तो 10वें गुरु थे। इनसे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि खालसा पंथ, ठीक है, खालसा पंथ का स्टार्ट किसने किया था, तो कौन थे, गुरु गोविंद, ठीक है। मैं एक एक चीज लिखवा दे रहा हूँ। इनसे ये भी पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है पटना में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, तो 1666 में। और इन्होंने एक सिटी फॉर्म किया था अनंतपुर सिटी किसने बनाया, तो इन्होंने ही बनाया है। उसके बाद एक चीज और याद रखोगे कि जो ये जो गुरुपद इसके बाद खत्म हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद गुरुपद एक बुक को दे दिया जाता है जिसको बोलते हैं आदि ग्रंथ। और इसका आदि ग्रंथ का इन्वेंट किसने किया था, तो ये किया था आपका गुरु अंगद ने, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैं एकदम इस तरीके से बढ़ाने वाला हूँ चीजों को एनालाइज करके, ठीक है। तो
यहाँ से इतना याद रखिएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्र युद्ध में जिस रानी ने, ठीक है, सक्रिय भूमिका निभाई एवं दिवंगत हो गई वह थी, आपको पता है, वह है आपकी झांसी की रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, इससे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा वाराणसी में, बहुत बार ये पूछा गया, कब हुआ था, तो 1828 में। ठीक है, और इनका डेथ कहाँ हुआ, आपको याद रखना, तो डेथ हुआ था इनका ग्वालियर में। ठीक है, तो इतना चीज़, तीन चीज़ आप यहाँ से याद कर लो। जैन धर्म का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, सबको पता है, वो है आपका महावीर। ये इनमें टोटल जो इनको जैसे कि उसमें गुरु बोला जाता है, जैन में इसको तीर्थांकर बोला जाता है, तो टोटल 24 तीर्थांकर थे। कितने थे? टोटल 24 तीर्थांकर थे, जो आपको याद रखना है। कितना? टोटल 24 थे। इसको मैं ट्रिक से याद करवा दूंगा। ठीक है, तो जो 24वें थे, ठीक है, इनको जो कि महावीर, ठीक है, महावीर, अब इससे इनसे देखो क्या क्या, सबसे पहला पूछा जाता है कि फाउंडर अगर पूछा जाए जैन धर्म का तो वो कौन है, ऋषभदेव, ठीक है, या आदिनाथ, बट रियल फाउंडर अगर पूछा जाए तो कौन है, वो महावीर। इनका जन्म पूछा गया था एक्साइज में भी, कब हुआ था, 540 BC में। इनका डेथ कब हुआ, आपको ये पूछा जाए कि इनका मतलब कब मर गए, तो आप क्या लिखोगे, 468 BC। तो कब जन्म हुआ, 540 BC, डेथ कब हुआ, 468 BC। ठीक है, अब इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो कुंडाग्राम में। ठीक है, अभी कुंडाग्राम कहाँ है, नियर वैशाली। ठीक है, नियर वैशाली समझ लेना, कुंडाग्राम नियर वैशाली। और ये इनका डेथ कहाँ हुआ, तो आपको पता होना चाहिए, पाबापुरी में। ठीक है, तो जन्म कहाँ हुआ, कुंडाग्राम, मरे कहाँ, तो पाबापुरी। ठीक है, जन्म 540 BC, डेथ 468। रियल फाउंडर इनको माना जाता है। इनका सिंबल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इनका सिंबल है लायन। ठीक है, 30 साल की उम्र में, ठीक है, इन्होंने घर छोड़ दिया था, और 42 के उम्र में इनको मतलब कैवल्य का प्राप्ति होता है। ठीक है, कैवल्य इन लोगों के लैंग्वेज में मतलब तीर्थांकर के, जैन के लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ एटलीस्ट आपको याद रखना है। एक दो चीज़ और इनसे पूछा जाता है, वो है इनका पापा जी का नाम, तो वो है इनका सिद्धार्थ। ठीक है, और ये कौन से क्लैन मतलब कौन से कुल को बिलोंग करते थे, तो आपको याद रखना है, जांत्रिक कुल को। ठीक है, इनके माता जी का नाम क्या था, तो त्रिशला, और ये लिच्छवी प्रिंस थी। ठीक है, तो सिद्धार्थ इनके पापा जी का नाम, इनके मम्मी जी का नाम त्रिशला। ठीक है, और ये कहाँ से, आपकी मतलब लिच्छवी प्रिंस थी, तो इतना आपको यहाँ से पता होना चाहिए। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आप देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप कन्फ्यूज हो गए, तो इसको मैं अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि कुछ कंपनी पहले आए थी, मतलब आए तो वो लोग पहले थे, पर कंपनी उन्होंने बाद में खोला। अभी बस आप इतना याद कर लो कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी, तो 1664 में। ठीक है, किसने घोषणा किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, सबको पता है, ये क्या, आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, समझ में आया। गोपाल कृष्ण गोखले, इंपॉर्टेंट पर्सन, अगर आपको पूछे कि पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी के, तो वो थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। अब राजा राम मोहन रॉय जी आ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था, इनके बारे में मैं अच्छे से बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता। ठीक है, तो जम करते हैं हम राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, नाम में ही राजा है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1772। एटलीस्ट आप जन्म वाला जरूर याद रखिएगा, डेथ अगर इनका जब मरण हुआ वो याद नहीं, पर जन्म वाला जरूर याद रखिएगा, 1833 में इनका डेथ हो गया। अगर आपको डेट थोड़ा सा याद है ना, अगर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ोगे, हिस्ट्री अगर आपने सही से पढ़ा है, तो आपको प्रॉब्लम उतना नहीं होगा। ठीक है, देखो, तो राजा राम मोहन रॉय, सबसे पहले तो मैं यही बता देता हूँ कि इनको जो ये जो राजा का जो उपाधि दिया गया था, ठीक है, एक्चुअली पहले इनको राजा का पहले राजा नहीं लगाते थे, इनको जो पूछा जाता है कि राजा का उपाधि किसने दिया था, तो आप याद रखिएगा अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, तो इतना सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको इससे ये याद होना है। उसके बाद, ठीक है, दूसरा देखो, इन्होंने, मैं मुख से बोल देता हूँ क्योंकि काफ़ी बुक है इनके, इन्होंने एक बुक लिखा था तूफात उल मुहद्दीन। ठीक है, क्या लिखा था, तूफात उल मुहद्दीन गिफ्ट टू मोनोथेसिस। ये किसके द्वारा लिखा गया, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा है। कौन से लैंग्वेज में था, तो ये पर्सियन लैंग्वेज में था। ठीक है, तो ये एक याद रखिएगा। इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशन का भी फॉर्म किया, जैसे कि आत्मीय, याद रखिएगा, आत्मीय सभा और वेदांता सोसाइटी। तो आत्मीय सभा और वेदांता सोसाइटी इन्होंने फॉर्म किया था, साथ में ही था, 1815-1816, डायरेक्टली याद रखोगे, आत्मीय सभा 1815, वेदांता सोसाइटी 1816। ठीक है, इतना याद रखोगे। इन्होंने एक और बुक लिखी थी, परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, परसेप्ट ऑफ
जीसस, ये भी बुक इनके द्वारा लिखा गया था। इनके अगर बारे में अगर आपको पढ़ा होगा तो पता होगा कि आखिर ये कभी जीसस का बात कर रहे हैं, कभी किसी और का, आखिर क्यों कर रहे हैं, कभी बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो परसेप्ट ऑफ जीसस इनके द्वारा लिखा गया था, तूफात उल मुहद्दीन गिफ्ट टू मोनोथोसिस वो भी इनके द्वारा लिखा गया था। इनसे दो तीन चीज़ और पूछ लिया जाता है जो इन्होंने पत्रिका या जर्नल, ठीक है, वो बहुत बार पूछा गया, मैं वो आपको बता देता हूँ। जर्नल, ठीक है, तो जर्नल एक था संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद SAMVAD, ठीक है, संवाद कौमुदी, ये जर्नल है। जर्नल मतलब आप इसको मतलब पेपर मान लो, ठीक है, या जर्नल आप पता होगा जर्नल क्या होता है, ठीक है, जो पेपर निकाला जाता है स्पेसिकली, KUMUDI, ठीक है, संवाद कौमुदी और मीरात उल, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ मतलब अगर उतना अगर आप कर लिए ना, नोबडी कैन स्टॉप यू देन, तो ये हो जाएगा आपका पर्शियन। और ये एक चीज़ और पूछा जाता है कि ये जो संवाद कौमुदी था ये बंगाली में किया गया था, ठीक है, अगर जो अच्छे से पढ़ रखे ना उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, ये सब करके। मीरात उल अखबारी, ठीक है, तो मीरात उल, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में जो क्वेश्चन राजा राम मोहन रॉय से बनेगा मैं A to Z आपको करवा दूँ। तो मीरात उल अखबारी, तो संवाद कौमुदी बंगाली में लिखा गया था, ठीक है, और मीरात उल अखबार जो था ये आपको याद रखना है, जो मीरात उल अखबार जो किया गया था ये था आपका पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है, ये भी याद है। जैसे मैं वो बोला था ना तूफात उल मुहद्दीन, वो भी पर्शियन में था, ठीक है, इतना एटलीस्ट आप लोग याद रखना, ऐसे तो बहुत चीज़ें बट जितना मैंने बताया इतना प्लीज़ अगर इतना याद रख ले तो ये बहुत होगा, ठीक है। अजंता की चित्रकलाएँ, ठीक है, चित्रकलाएँ या चित्रकलाएँ, थोड़ा हो सकता है हिंदी में टाइपिंग है मिस्टेक, तो की कहानियाँ का वर्णन करती है, ठीक है, तो जताक करती है, ये सबको पता है। रामायण किसने लिखा था, वाल्मीकि ने, महाभारत वेद व्यास ने, पंचतंत्र किसने लिखा है, तो बहुत बार पूछा गया, याद रखेगा विष्णु शर्मा। एक बात और याद रखेगा, जो सबसे बड़ा एपिक, एपिक मतलब जो पुराने समय का कोई कहानी है जो सबसे बड़ा है वो है आपका महाभारत, ठीक है। चलो ये बात, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, देखो मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, मैं यहाँ आपको GS तो खैर प्रैक्टिस सेट में आपको यूट्यूब पे एकदम बेहतरीन देते रहूँगा, आपको GS पढ़ते रहना है। मैथ्स एंड रीजनिंग मैंने अपने अंदर कमांड लिया है, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग आप मेरे ऊपर छोड़िए, विदाउट एनी सिंगल डाउट आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है। नॉमिनल चार्ज 300 पे करना है, आप अगर दरोगा मेंस दे रहे हो तो 20 out of 20 स्कोर करके आओगे, BSSC मेंस दे रहे हो तो उसमें भी आपका पूरा का पूरा, उसमें तो आपका समझ लो 75 मार्क्स का आपका मैथ्स एंड रीजनिंग से आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस दोनों में से कोई भी एग्जाम दे रहे हो विदाउट एनी सिंगल डाउट, अगर आपको लगता है कि आप पूरा स्कोर नहीं कर पाओगे मैथ्स एंड रीजनिंग में, ये करना है, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। इसमें हम लोग वीडियो क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, वीडियो क्रैश कोर्स मतलब एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड और अकॉर्डिंग टू आपका जो सिलेबस है उसके द्वारा कराया जा रहा है। डाउट होगा आप डाउट भेज सकते हो, वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया, मतलब विदाउट एनी सिंगल डाउट ये कर लेना है, ताकि जो हर दिन अल्टरनेट डेज में आपका प्रैक्टिस सेट आता है उसमें आप फुल स्कोर कर पाओगे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पोत शहर किसको बोला जाता है, तो ये है आपका लोथल, ठीक है, ये कहाँ है आपका, तो याद रखिएगा गुजरात में, कहाँ है आपका गुजरात में। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये किस नदी के किनारे है, तो वोगवा, ठीक है, इतना याद रखोगे लोथल कहाँ है गुजरात में, कौन सी नदी के किनारे, वोगवा, और ये एक पोर्ट शहर था, ठीक है, पोर्ट मतलब वहाँ सी का एरिया में था, ठीक है। एक कालीबंगा से बहुत बार क्वेश्चन बोलते हैं, इसको ट्रिक से याद कर बता दूँ, कि जोते हुए खेत कहाँ से मिले, तो वो मिले कालीबंगा से। आप कैसे याद रखोगे, बंगा से बाग याद रखना, और बाग बगीचा अगर करना है तो उसको तो जोतना होगा ना, तो जोते हुए खेत कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से, ठीक है। कवि कालिदास के दरबारी थे, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत चीज़ पूछा जाएगा कब, जब बात आएगा कालिदास का। देखो कालिदास किसके दरबारी थे, तो ये थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, अब यहाँ द्वितीय नहीं, यहाँ विक्रम आदित्य लिखा, अब यहाँ से ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे ये, ठीक है, कालिदास। और चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि विक्रम आदित्य इसलिए लिखते हैं क्योंकि इन्होंने विक्रम आदित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये पहला क्वेश्चन तो आपको यही पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा उपाधि धारण की थी, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। अब मैं जल्दी से करवा देता हूँ आपको, गुप्ता एम्पायर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो जो क्वेश्चन आए हैं एटलीस्ट 10-12 में करवा देता हूँ जल्दी। देखो किसके द्वारा ये गुप्ता एम्पायर फॉर्म हुआ था, तो श्रीगुप्त के द्वारा, आपको पता है। इसके बाद श्रीगुप्त ने कौन सा उपाधि धारण की थी, तो अधिराजा का, मतलब इनको दिया गया था, आई थिंक एग्जैक्टली इन्होंने धारण भी नहीं किया था। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त वन, इन्होंने कौन सा उपाधि धारण की थी, इन्होंने अधिराजा, आधा इन्होंने महाराजा, तो महाराजा अधिराजा, इन्होंने क्या किया अधिराजा, और चंद्रगुप्त वन ने क्या किया महाराजा अधिराजा, इतना समझ में आया। फाउंडर कौन, श्रीगुप्त। इनके बाद आए थे समुद्रगुप्त वन या समुद्रगुप्त ही बोले, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। इनके पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त वन जो है, मैं सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चंस पे डील कर रहा हूँ, ठीक है, अभी
चंद्रगुप्त वंश इनके बारे में कौन सा इंस्क्रिप्शन में बताया गया, ठीक है, मतलब कौन सा पिलर में इनके बारे में बताया गया, तो अलाहाबाद का जो पिलर है, ठीक है, अलाहाबाद का जो पिलर है उसमें समुद्रगुप्त के बारे में बनाया गया। इस पिलर को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रयाग प्रास्ती, याद रखिएगा प्रयाग प्रास्ती। और इसमें जो ये लिखा गया है, ठीक है, जो ये समुद्रगुप्त के बारे में किनके द्वारा लिखा गया ये पूछा जाता है, तो ये है आपका हरिसेना, ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और याद रखिएगा इनको नेपोलियन ऑफ द इंडिया भी बोला जाता था, ये आपको पता होगा। पर एक क्वेश्चन और आता है कि जो समुद्रगुप्त थे उनको नेपोलियन ऑफ द इंडिया किसने बोला था, तो वी ए स्मिथ, जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इतना याद। और इनको और एक नाम से जानता है, वो है आपका कवि राज, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्टली, प्लीज़ बैक करके देख लेना, ठीक है, अगर सच में अगर आप रियल प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो चीज़ बता रहा हूँ आप वो जरूर करें। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है, आपको याद रखना है। ये आपका समुद्रगुप्त और इनके मम्मी का नाम था दत्ता देवी, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। प्लस इनके दरबार में कालिदास, ठीक है, अमर सिम्हा, ब्रह्मा मीरा, ये सब थे, इतना आपको याद, के बहुत अच्छे अच्छे लोग इनके दरबारी थे। फाहियान इनके समय में ही आए थे, तो इतना आप एटलीस्ट अभी आप गुप्ता एम्पायर से याद क्या करोगे, रखोगे, ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी है। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था, ठीक है, तो आपको याद रखना है वो है आपका अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो आपको याद रखना है असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन एक्चुअली, ठीक है। समटाइम क्या होता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंग्लिश बैकग्राउंड मे बी यू विल फील बिट, मेरा टंग ट्विस्टर मतलब स्लिप ऑफ टंग फीस कर सकते हो, तो ये मत समझना कि सर आपने क्या बोल दिया, ठीक है। सो असहयोग आंदोलन आंदोलन दैट मीन्स क्या होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो इनमें से पूछा गया कि कौन इसमें साथ दिए थे, ठीक है, तो जुड़े हुए थे, तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय के बारे में मैंने ए टू जेड चीज़ आपको बता दिया। यहाँ से एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, देखो ये बाल गंगा तिलक से, तो ऐसे मैंने आपको बता दिया कि 1916 में जो होम रूल आया था उसमें उनसे ये कनेक्टेड थे पुणे में, ठीक है। इनसे एक चीज़ और याद रखना, जो गणेश उत्सव होता है, ठीक है, जो महाराष्ट्र में होता है, उनका जो माना जाता है कि शुरुआत भी गणेश उत्सव का इन्होंने ही किया था। चंद्रशेखर आज़ाद इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा एच एस, ठीक है, इनके बारे में मैं बता देता हूँ, इनसे क्या क्वेश्चन आता है, एच एस आर ए डेट मीन्स हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि 1928 में दिल्ली में बनी थी, उसका जो फॉर्मेशन है वो चंद्रशेखर आज़ाद और भी इसमें लोग थे उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। इतना एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा, इन इसका क्या पता है कि कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये आपका लाला लाजपत राय, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, पूरा का पूरा मैंने कहानी बता दिया, एनी बेसेंट ने किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, एक तरफ थे हेक्टर मुनरो, ठीक है, ब्रिटिश के तरफ से, इधर कौन थे, मीर कासिम बंगाल से, और आपका अवध के सुआजुद्दौला, अवध मतलब यूपी वाला साइड, और मुगल से कौन थे, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों हार जाते हैं। और 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, तो अगर आपको पूछा जाए कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुआ था, तो 1765 में, और इसका आंसर हो जाएगा 1764, ठीक है। मगध एवं उसकी राजधानी पाटलिपुत्र जो संसार में प्रसिद्ध हुए को किसने बनवाया था, मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया, जो मगध जो था, ठीक है, मगध मौर्य सम्राटों ने, ठीक है। हिंदू महासभा का स्थापना किसने किया था, ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हिंदू महासभा ये आखिर फॉर्मेशन हुआ कब था, ये 1916 में हुआ था, जब कब, जब आपका होम रूल, इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ो, ठीक है, जब होम रूल इंडिया में फॉर्म हुआ था, ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था, तो हरिद्वार में हुआ था, ठीक है, हरिद्वार में, और ये किनके द्वारा किया गया था, तो मदन मोहन मालवीय, अगर मदन मोहन मालवीय नहीं भी होंगे तो और इसमें थे जैसे कि बी डी सावरकर, लाला लाजपत राय, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, 1916 हिंदू महासभा हरिद्वार, मदन मोहन मालवीय, बी डी सावरकर, लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन के बारे में बता दिया, लाला लाजपत राय के सबके बारे में आपको बता दिया। अब ये चीज़ देखो, ये आपको मतलब मैंने इसको ऊपर का क्वेश्चन हटा दिया, डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ये आपका मतलब समाज दिया हुआ है और ये किसने उन्हें उसे फॉर्म किया, जैसे कि सत्यशोधक समाज आपको पता है किसने किया था, ज्योतिबा फुले, राधा स्वामी सत्संग सही है, शिव दयाल, प्रार्थना समाज ये किसने किया था, आपका आत्माराम पांडुरंग, और इसमें और एक और पर्सन और भी थे,
जी वी राणा राणा डे, ठीक है, राणा डे, जिसको आप पूरा नाम से अगर आपको पता हो तो गोविंद समथिंग इनका नाम था एग्जैक्टली, मुझे गोविंद महादेव, हाँ गोविंद महादेव राणा डे, ठीक है, इसमें और लिख लो एक जी वी राणा डे, ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, किसके लिए, प्रार्थना समाज के। अब मैं इसको डेट भी आपको साथ में याद करवा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, ताकि अगर इस चीज़ को आप याद कर लेते हो तो सही रहेगा। और यंग बंगाल हेनरी विवियन, तो आपको सबसे पहले तो ये नाम याद होना चाहिए, सबसे सत्यशोधक समाज किसने किया था, तो ज्योतिबा फूले, ठीक है, राधा स्वामी सत्संग किसने किया था, तो शिवदयाल, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, और यंग बंगाल किसने किया था, तो हेनरी। अब एक चीज़ दो में आपको डेट याद करूँ, एक प्रार्थना समाज और एक आपका सत्यशोधक समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, तो प्रार्थना समाज जो आया था ये 1867 और ये मुंबई में फॉर्म हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, और ये जो सत्यशोधक समाज ये 1873, आप याद कैसे रखोगे, देखो ये 1873 प्रार्थना साथ में करना, ठीक है, तो प्रार्थना सवा समाज और सत्यशोधक समाज, तो प्रार्थना ये मैंने क्या लिखा, प्रार्थना समाज, और ये लिखा मैंने सत्यशोधक समाज, तो प्रार्थना साथ में करोगे, तो ये हुआ था 1867 में, अब प्लस 6 साल के बाद ये हुआ था 1873, 1867 1873, मुझे इस तरीके से मैंने याद किया, आपको भी इस तरीके से, और इसका जो ये मैच है ये सही ऑलरेडी मैच था क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 इसी तरीके से होगा। आगे चले, लिख रहे हो ना, लिखते हुए चलना है, ठीक है, आगे चलते, देखो निम्नलिखित बौद्ध स्थल में से किसमें संरचनात्मक स्थापत्य है, ठीक है, तो ये है आपका अजंता में, ये खैर आपको पता होगा, स्टेटिक क्वेश्चन है। अब देखो निम्नलिखित, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए, ठीक है, कि अशोका 269 ईस्वी पूर्व मतलब BC में कलिंगा युद्ध में विजय हुआ, ठीक है, कलिंग वासियों की दुर्दशा उन्हें बहुत उदास किया, आप पढ़ लेना एक बार, इसका जो सही आंसर है ये है डी, ए गलत है, क्योंकि जो स्टार्ट हुआ था जो कलिंग युद्ध वो था 261 BC में, ठीक है, बाकी सेकेंड जो है इसका सही है। देखो अशोका का मेन प्रॉब्लम क्या है, मतलब स्टूडेंट लोग के लिए, इसमें क्या होता है कि शिलालेख अभिलेख ये सब आप लोगों को याद नहीं रहता, ठीक है, तो मैं इसको ट्रिक बना के डालूंगा, ट्रिक वाले कोर्स का लिंक नीचे दिया होगा, बहुत सारी चीज़ मैंने करवा दी है, जरूर देख लीजिए। भगवान बुद्ध ने पहला धर्म प्रचार कहाँ किया था, तो ये किया था सारनाथ, ठीक है, कौन सा, एक पार्क था सारनाथ, डियर पार्क, ठीक है, डियर पार्क में आप याद रखिएगा। अब देखो जल्दी से हम लोग देखते हैं कि इसका तीन काउंसिल जो हुआ था, पहला काउंसिल जो हुआ था, जैसे देखो आप बुद्ध के बारे में डायरेक्टली मैं एक बात बताता हूँ, इनका जो जन्म हुआ था 563 BC में, और इनका जो डेथ हुआ था 483 BC में, तो पहला जो बुद्ध काउंसिल हुआ था 483 BC में, दूसरा कब हुआ था 383 BC में, तीसरा 250 BC में, ठीक है, और जो ये लास्ट वाला हुआ था पहली फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है, तो देखो जो 483 वाला हुआ था ये कहाँ हुआ था आपको याद रखना है, तो ये राजगीर में हुआ था, ठीक है, दूसरा वाला कहाँ हुआ था ये आपको याद रखना है, तो ये हुआ था वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ था आपका ये, तो आपका पाटलिपुत्र में, और ये चौथा वाला कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका कहाँ, कुंडलवन कश्मीर में, तो ये तो प्लेस हो गया राजगीर वैशाली पटना और आपका ये कश्मीर। अब देखो यहाँ राजा कौन कौन थे, तो जो पहला जो हुआ था वो अजात शत्रु के समय में हुआ था, दूसरा जो हुआ था ये महा किंग जो था काला अशोका था, ठीक है, काला अशोका के समय में हुआ था, ठीक है, और तीसरा तो आपको पता है अशोका के समय हुआ था, और चौथा जो था आपका ये कनिष्क के समय में हुआ था। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ कि जो हीनायान और महायान जो सेपरेट हुए थे कौन से काउंसिल में हुए थे, तो आप याद रखिएगा कनिष्क के ही काउंसिल में हुए थे, तो एटलीस्ट आप यहाँ से इतना याद रखोगे, ठीक है। अनुवांशिक का जनक किन्हें माना जाता है, आपको सबको पता है वो है ग्रेगरी मेंडल, ह्यूगो डी वेरिस, ठीक है, लिनियासिस का रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक के बारे में पता होगा, जो सेल का जो डिस्कवरी किए वो रॉबर्ट हुक ने किया, कार्लस लिनियस बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब होता है वर्गीकरण, अलग अलग करना स्पेसिफिकेशन को, ठीक है, तो अगर आपको पूछे कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस, कार्लस लिनियस और रॉबर्ट हुक सेल डिस्कवर किए, ठीक है, अब ये सेल बैटरी वाला सेल नहीं, जो ह्यूमन का सेल होता है, और ग्रेगरी मेंडल अनुवंशिकता का जनक माने जाते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्यम भाग से होकर गुजरती है, ठीक है, इसका फलस्वरूप क्या होता है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आपको याद रखना है जो अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो, ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग गाइस जब भी ज्योग्राफी पढ़ोगे आपके पास एक प्यारा सा मेटलस एटलस जरूर होना चाहिए, ठीक है। देश के दक्षिण अर्ध में उष्ण जलवायु होता है, इसका कारण ये है आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला नहीं है, आप इजिली कर सकते हो, वो है आपका कोटा, कोटा सब पढ़ने जाते हैं IITians। भारत एक धनी देश है किंतु गरीब लोगों यहाँ निवास करते हैं, इस कथन का, अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसे विश्लेषण कीजिएगा कि भारत एक धनी देश है किंतु गरीब लोगों
यहाँ निवास करते हैं, ये चार ऑप्शन है। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा आपका ये, देश में भरपूर एवं सुरक्षित साधन है किंतु उनके ठीक ठीक प्रयोग, मतलब हमारे पास रिसोर्स तो है ठीक है, बट हम उसका मतलब उस रिसोर्स का मतलब यूज़ करने के लिए जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी होना चाहिए वो हमारे पास नहीं, इसका मतलब वही है ठीक है। ये नदी दिया हुआ है और मतलब ये चार्ट दिया हुआ है इधर, और ये दिया आपको इसको मतलब मिलान करना है ठीक है। तो देखो नदी भीमा जो एक नदी है ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा ठीक है। आप देखो पठार एग्जैक्टली आपको नहीं पता, पर पशु विहार वन ये आपको पता है कि सरिस्का एक क्या है आपका पशु विहार, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका कहाँ है आपका, तो याद रखेगा बहुत बार पूछा गया सरिस्का, तो राजस्थान में ठीक है। खनन खनन कहाँ होता है आपको पता है, सिंगरौली में होता है, ये आपका मध्य प्रदेश में ठीक है। तो अगर पठार नहीं भी पता था तो आप लास्ट में लगा लेते, ये आपका दहोती। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है सबको पता है, क्या हुआ आपका प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन बनाना ठीक है। डीएनए एन आर एन ए ठीक है, ये क्या होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। डीएनए का जो एक मॉडल दिया था हेलिकल मॉडल ठीक है, आपको पूछा जाता है कि डीएनए का जो हेलिकल मॉडल दिया था किसने दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ठीक है। तो हेलिकल मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। भारत में वर्तमान जलोढ़ स्थल समथल जलोढ़ समथल कौन सा है, तो ये आपको याद रखना है वृहत्तम है मतलब ज्यादा ठीक है। जलोढ़ समथल कौन सा है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। वह राज्य जो भारत को चीन भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है ठीक है, तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। आपको पता होगा कि जो शुगर रिसर्च सेंटर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैं इसको ट्रिक से करवाऊंगा ठीक है। अब वीडियो शेयर करो ठीक है, वीडियो शेयर करो, इतना मेहनत लग रही है तो वीडियो आप शेयर ही नहीं करोगे जब लोग जुड़ेंगे नहीं, तो मोटिवेशन कहां से आएगा हमारे लिए ठीक है। हमारा मोटिवेशन बस यही होता है कि लोग जुड़ते हैं और कमेंट करते हैं, शुगर रिसर्च सेंटर ठीक है। और हम बेस्ट पार्टी होता है कि हम बहुत लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं ठीक है। तो शुगर रिसर्च सेंटर ये कहाँ है आपका, तो ये भी उत्तर प्रदेश में, इसको ट्रिक से करवा दूंगा ठीक है। तो भारत का चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश को ही बोला जाता है। अब यहाँ याद रखना आपका टोबैको ठीक है, टोबैको सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है, और यहीं टोबैको का रिसर्च सेंटर भी है, और उस जगह का नाम क्या है, तो राजमुंद्री। आपको पूरे की टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो है आपका राजमुंद्री में। सबसे ज़्यादा टोबैको कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो है आपका आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट है ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन प्रोड्यूस होता है वो कौन स्टेट करता है, तो करता है मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर। थार मरुभूमि कहाँ है सबको पता है, ये है आपका राजस्थान। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ ठीक है, आटाकामा ठीक है, आटाकामा ठीक है। आटाकामा जो है ये आटाकामा आप लिखोगे तो गूगल अगर कर ले तो खैर तो पता ही चलेगा, जिसको डायरेक्टली पता है बताएगा कि आटाकामा जो है ठीक है, ये मरुस्थल मतलब डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है ठीक है, ये मुझे आप बताइएगा ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में और कौन से कंट्री में है। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, थार तो राजस्थान में। श्री एम एस गिल को छोड़कर निर्वाचन आयोग के अन्य दो आयुक्त, अब देखो ये क्वेश्चन उस समय आया था पर मैं सोचा कि इसको मुझे ले लेना चाहिए क्योंकि अभी का मैं इसको क्वेश्चन आपके लिए बना दिया। तो अभी कौन है हमारा निर्वाचन मैन, जो कि उन्हें अभी सुनील अरोरा ठीक है, इधर कौन है, टोटल तीन होते, तो अशोक लवासा और सुशील चंद्रा, ये तीन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोरा, और हमारे दो जो इलेक्शन कमीशन वो कौन है, अशोक लवासा एंड सुशील चंद्रा, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन भी मैंने यहाँ नहीं दिया। बिहार में भूमि का उपजाऊ अंश है मतलब सबसे जो उपजाऊ सबसे फर्टाइल कौन सा पार्ट है बिहार का, तो ये है आपका उत्तरी बिहार। बिहार का उच्चतम श्रृंग मतलब सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट कितना है, तो वो 1372। डायरेक्टली ये देखो स्टैटिक क्वेश्चन है, आपको याद रहना चाहिए, नहीं तो लिख लो ही सबको। बिहार के उत्तर देखो, अब ये क्वेश्चन के लिए शायद मैं मैप लाया नहीं ठीक है, मतलब इस बार नहीं लगा पाया, नेक्स्ट जब भी बिहार का क्वेश्चन आएगा मैं मैप से करवाऊंगा। मैप आपके पास हमेशा रहने चाहिए, एक बिहार का, एक इंडिया का और एक किसका, वर्ल्ड का ठीक है। तो बिहार के उत्तर सीमांत के ऊपर ठीक है, मतलब बिहार के जस्ट नॉर्थ में कौन है, ऊपर कौन है, तो आपको पता है वो है आपका नेपाल। भारत में सबसे समृद्ध खनिज राज्य ठीक है, देखो अब उस समय के हिसाब से बिहार था पर अब ये बिहार रहा नहीं क्योंकि बिहार कट के अब झारखंड बन गया ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आएगा यहाँ बिहार नहीं देगा, वो झारखंड देगा, या हो सकता है क्वेश्चन ही चेंज कर दे। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते, देखो अगर यहाँ क्वेश्चन देखो आप यहाँ मतलब ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन, अगर वो पूछे कि भारत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो इसका होगा आपका प्रेसिडेंट, मतलब आंसर ए हो जाएगा। बट यहाँ बोला है कौन उसको अध्यक्ष करता है, तो इसका हो जाएगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष, इसका आंसर सी हो जाएगा। और कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है जिसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द
पार्लियामेंट मतलब भारत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो 108 में ये मेंशन है। लक्षद्वीप द्वीप समूह के बनने का कारण क्या है, तो समुद्री चट्टान निर्माण, ये तो खैर आपने पढ़ा होगा। जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यस्थल शून्य है, मतलब दोनों नहीं है, ठीक है, तो उनके कार्यों का कौन संपन्न करेगा, मतलब राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अगर राष्ट्रपति नहीं होता तो उपराष्ट्रपति करता, पर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक पर से होकर नहीं गुजरती, आपको पता होगा कि टोटल हमारा 8 स्टेट से, ठीक है, ये जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अगर मैं जल्दी से इसको बात करूं, देखो जल्दी से इधर से मैं स्टार्ट वेस्ट से स्टार्ट करता हूं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारखंड पहले आना चाहिए था, वेस्ट बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो 8 हो गया, हो सकता था मैं एक मिस कर जाता, पर एग्जैक्टली 8 यही है। इस मुझे कैसे याद है पता है, मैंने ना वेस्ट से ईस्ट तक पूरा याद किया, मुझे पता है कि अगर आपको पूछे कि नॉर्थ ईस्ट में एग्जैक्टली 2 स्टेट कौन है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, सिर्फ 2 ही वो स्टेट है, एक है आपका त्रिपुरा और एक है मिजोरम, बाकी आप इधर का 6 याद कर लेना, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओ, तो देखो यहां क्या, गुजरात, ठीक है, उड़ीसा से नहीं जाता है, त्रिपुरा और मिजोरम से, इसका आंसर बी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी एक बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ठीक है, भाकरा नंगल आपको पता है ये कहाँ है, ये हिमाचल में, ठीक है, कहाँ है, हिमाचल में, कौन से नदी पे, तो सतलुज नदी पे, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है, तो भाकरा नंगल जो डैम है प्रोजेक्ट है कौन सा है, तो सतलुज नदी पे, ये और हिमाचल प्रदेश में। दामोदर घाटी ये आपको पता है वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों मिलके कर रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। गंडक ये आपका सही आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंडक, यूपी और दोनों का संयुक्त। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय संप्रदाय के दो को नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या डायरेक्टली 2 होगा, बट यहाँ आंसर अब इतना इजी नहीं देगा, वो पूछेगा कि कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, ठीक है, अंडर विच आर्टिकल उनको पावर दिया गया है कि ये दो को नॉमिनेट कर सकते हैं, किसमें, लोकसभा में, तो आप याद रखेगा 331 आर्टिकल, इसको आप याद कर, अंडर द आर्टिकल 331 वो दो को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, पानी पी लेता हूँ, उसके बाद आप इतना याद रखोगे कि एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है अच्छे से नोट बना लोगे, ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट के साथ, और एग्जाम में जब आप बैठोगे, ठीक है, एग्जाम से आप जब बाहर निकलोगे, यू विल थैंकफुल टूवर्ड्स मी, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा जब आप एग्जाम से बाहर निकलोगे, तो ठीक है, तो मैथ्स एंड रीजनिंग का जो मैंने ग्रुप बताया वो आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, विदाउट एनी सिंगल डाउट, ताकि जो हम लोग मैथ्स एंड रीजनिंग का जो कोर्स का मतलब जो प्रैक्टिस सेट आपका आएगा, जैसे आज जीएस का है तो नेक्स्ट कल आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आएगा, ठीक है, तो जब मैं उसमें क्वेश्चन समझाऊं तो एटलीस्ट आपको इतना समझ होना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है, तो मेक श्योर क्या करना है, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और थोड़ा कमिटमेंट आप अपनी तरफ से भी दिखाइए, मैं जितना भी पढ़ा दूं ये कुछ नहीं होने वाला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं वही बोल रहा हूं, आज मैंने एक कल ही मैंने एक कोट पढ़ा था, आप प्लीज़ ये हमेशा याद रखिएगा कि एक महाभारत में एक कोट बहुत अच्छा बोला गया है कि अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण को कि भगवान इस दीवार पे कुछ ऐसा लिख दो जिसको मैं दुख में पढ़ूँ तो मुझे सुख का एहसास हो और सुख में पढ़ूँ तो मुझे दुख का एहसास हो, तो क्या लिखते हैं पता है, वो लिखते हैं कि ये समय गुजर जाएगा, ठीक है, तो प्लीज़ ये वर्ड याद रखिएगा, ये समय गुजर जाएगा और जो भी स्थिति है वो सही होगा, पर ये जब समय गुजर जाएगा तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने जो अभी ये समय जा रहा है उसको आपने कैसे यूज़ किया। सो थैंक यू सो मच गाइस, जस्ट मेक श्योर स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, डू लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, और एक बात और, हमेशा खुश रहिए ताकि आपस में जो लोग हैं सराउंडिंग आपके वो भी खुश रहेंगे। जय हिंद।